बच्चों, कक्षा 12वीं की अर्थशास्त्री क्लास में आपका बहुत स्वागत है बेटा। आज अपन ने पहले बेटा अपन व्यापारिक बैंक और केंद्रीय बैंक पढ़ रहे थे। तो इसके पहले अपन ने बेटा केंद्रीय बैंक पढ़ा, सॉरी व्यापारिक बैंक पढ़ा। व्यापारिक बैंक कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं, उनकी क्या मतलब दोष है, मतलब दोषों को दूर करने के उपाय क्या है, अपन ने ये सब पढ़ा था बेटा। अब अपन आज पढ़ेंगे केंद्रीय बैंक। तो किसी देश का केंद्रीय बैंक उस देश की सर्वोच्च वित्तीय संस्था, मतलब जो केंद्रीय बैंक होता है वो किसी देश की क्या होता है, वित्तीय संस्था होता है। यह देश कैसा होता है, शिखर बैंक होता है, मतलब जो बैंक है ये केंद्रीय बैंक को शिखर बैंक कहते हैं। जो सरकार का केंद्रीय, मतलब जो सरकार के सभी वित्तीय संस्थाओं का, मतलब ये शिखर बैंक होता है। मतलब समस्त बैंक के बैंक्स के निर्देश में क्या करता है, ये कार्य करता है। और ये इस बैंक से नोट छापने का, मतलब रिजर्व, मतलब जो केंद्रीय बैंक है उसको नोट छापने का एकाधिकार प्राप्त है। बैंक अर्थव्यवस्था, मुद्रा की पूर्ति एवं साख नियंत्रण करता है। मतलब जो बैंक होता है वह देश की अर्थव्यवस्था और मुद्रा की पूर्ति पर साख नियंत्रण भी करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का क्या है, केंद्रीय बैंक है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या है, भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका प्रधान कार्यालय, मतलब जिसका मुख्य कार्यालय कहाँ है, मुंबई में स्थित है। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने अपनी एक परिभाषा दी है, मतलब जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल है उसने एक अपनी परिभाषा दी है। उसने कहा है कि केंद्रीय बैंक, मतलब जो केंद्रीय बैंक होता है, बैंक को उस बैंक को कहते हैं जिसका मुख्य कार्य मुद्रा तथा मुद्रा का नियंत्रण करना होता है। तो ये बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट की एक परिभाषा है बच्चों, जो बैंक ने खुद दी है। बैंक, केंद्रीय बैंक उस बैंक को कहते हैं जिसका प्रमुख कार्य मुद्रा तथा साख मुद्रा का नियंत्रण, मतलब जो साख मुद्रा पर नियंत्रण करना होता है। फिर बैंक ऑफ कनाडा अधिनियम के अनुसार एक परिभाषा है बेटा। तो हमने केंद्रीय बैंक एक परिभाषा दी है, जो केंद्रीय बैंक, मतलब जो केंद्रीय बैंक होता है, बैंकों का बैंक होता है, जो राष्ट्र की आर्थिक जीवन को, सर्वोत्तम हित को, मतलब चलन को नियंत्रण करता है और राष्ट्र की मौद्रिक इकाइयों व मूल्य में, वह क्या व्यय और मूल्य में क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो ये दो परिभाषाएं होगी बेटा, आपको ये दोनों परिभाषाएं याद करना है। अगर प्रश्न पूछा जाए केंद्रीय बैंक क्या होता है और केंद्रीय बैंक की परिभाषा लिखिए, तो आपको पहले केंद्रीय बैंक के बारे में थोड़ा सा विवरण देना होगा। केंद्रीय बैंक क्या है, किसी देश की केंद्रीय बैंक, मतलब उस बैंक की क्या है, सर्वोच्च शिखर संस्था है और वह शिखर बैंक कहलाता है। ये समस्त बैंकों का, मतलब जो केंद्रीय बैंक है वो समस्त बैंकों को क्या करता है, मार्ग निर्देशन में कार्य करते हैं, मतलब केंद्रीय बैंक के मार्ग निर्देशन में कार्य करते हैं। फिर उसके बाद बैंक ऑफ कनाडा ने एक परिभाषा दी है कि केंद्रीय जीवन की सर्वोच्च हित और चलन में नियंत्रण करता है, मौद्रिक इकाइयों व मूल्य पर और मौद्रिक उपायों के उत्पादन में कीमतों को क्या करता है, ये वाचन को क्या करता है, रोकता है। फिर सैमुअल ने एक परिभाषा दी है कि केंद्रीय बैंक बैंक कैसा बैंक है, मतलब जो ऐसा बैंक है तब जिस देश की सरकार के लेन देन के कार्य, मतलब जो केंद्रीय बैंक है वो एक ऐसा कैसा बैंक है, एक ऐसा बैंक है, बेटा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये है ऐसा बैंक है जिसमें देश की सरकार लेन देन के कार्य करने और व्यवसाय पर नियंत्रण, राष्ट्र की मुद्रा नीति व साख पर क्या करता है, इसकी व्यवस्था करता है, नियंत्रित करता है और क्या करता है, सहयोग देने के लिए क्या करता है, इसको स्थापित करता है। तो एक सैमुअल्स ने भी ये परिभाषा दी है। उपयुक्त परिभाषाओं से केंद्रीय बैंक से बैंकिंग व्यवस्था का क्या पड़ता है, शीर्ष बैंक माना जाता है। और साधारण बैंकों में सर्वथा क्या है, ये जो साधारण बैंक होते हैं उनसे क्या होता है, ये सर्वथा भिन्न होता है। और
बैंक है, इसपे सभी बैंक क्या होते हैं, इसके अधीन होते हैं और ये इसके पद प्रदर्शक का निर्देशन का कार्य करते हैं। फिर केंद्रीय बैंक के क्या कार्य होते हैं, तो पहला है पत्र मुद्रा के निर्गमन का एकाधिकार, मतलब जो सबसे पहले पत्र मुद्रा मतलब जो नोट होते हैं उनका निर्गमन है, उनको उसको एकाधिकार प्राप्त है। केवल केंद्रीय बैंक द्वारा ही अपन को क्या प्राप्त होते हैं, नोट प्राप्त होते हैं। सरकारी बैंकर में केंद्रीय बैंक मतलब जो बैंक होता है, केंद्रीय बैंक होता है, उसका महत्वपूर्ण कार्य आरंभ करता है वह मुद्रा का निर्गमन करना है ना। वेरा स्मिथ ने कहा है कि बैंक केंद्रीय बैंक की परिभाषा देते हुए उसके आधार पर कहा है कि केंद्रीय बैंक नोटों का निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त है और वह अधिकांश केंद्रीय अपने दो भागों में बांटा गया है। उसने पहला भाग है मतलब अपने दो भागों में बांट रखा है, तो पहला है बैंकिंग विभाग और दूसरा निर्गमन विभाग। तो निर्गमन का उसको नोटों का निर्गमन का अधिकार है। मुद्रा प्रणाली की एकरूपता प्रणाली का संचालन व्यवस्था व कार्यकुशलता करना और बैंक की साख निर्माण की शक्ति व नियंत्रण लगाना, मौद्रिक संतुलन बनाए रखना, तो ये केंद्रीय बैंक जनता पर विश्वास मतलब जो केंद्रीय बैंक है वह जनता जो जनता है जनता का विश्वास भी अधिक होता है, मतलब जो जनता है वो केंद्रीय बैंक पर अधिक विश्वास भी रखता है। फिर ये सरकार का बैंकर एजेंट और सलाहकार भी है, जो केंद्रीय बैंक है इसका दूसरा कार्य है। सरकार का क्या है, ये सरकार की केंद्रीय सरकार की सेवा प्रदान करता है और जनता को साधारण बैंक प्राप्त सरकारी नियंत्रण विभागों द्वारा इसे कोषों की व्यवस्था होती है। आवश्यकता पड़ने पर सरकार इसे क्या करता है, अगर आवश्यकता पड़ती है सरकार इससे ऋण भी देता है और सार्वजनिक ऋणों का प्रबंध भी कौन करता है, केंद्रीय बैंक करता है। और इसमें सरकारी अभिकर्ताओं के रूप में सरकार की ओर से प्रतिभूतियां ट्रेजरी बिल और इसका मतलब सरकारी ऋणों का विनिमय नियंत्रण करना, सलाहकार सरकार के द्वारा समझौते शोधन सब इसी से मतलब किए जाते हैं, जो केंद्रीय बैंक द्वारा ही किए जाते हैं। तीसरा कार्य है इसका वाणिज्य बैंकों का, मतलब जो वाणिज्य बैंकों के नाम से नगद कोषों का संरक्षण, मतलब वाणिज्य से मतलब हो गया बेटा मतलब जो केंद्रीय बैंक बैंक मतलब बैंकों का बैंक होता है, इसका संबंध वैसे तो होता है ग्राहकों से, मतलब जो ग्राहक होते हैं इसके उससे होता है, यह केंद्रीय बैंक होता है, इससे केंद्रीय बैंक के पास नगद कोष जमा होता है। फिर उसके बाद बैंकों द्वारा नगद कोषों में केंद्रीय जमा करने के लिए साख प्रणाली लोच पैदा कर, मतलब जो साख प्रणाली है वो लोच पैदा होती है। इसके पास वाणिज्य बैंक की शाखा निर्माण नीति और ऋण नियंत्रण के सुअवसर मिलते हैं। केंद्रीय बैंक के माध्यम से बैंकों को अपने लेन देन की क्या होती है, लेन देन भी क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। और इससे साख प्रणाली मतलब जो ये बैंक होते हैं राष्ट्रीय संकट के लिए इससे उचित राशि का उपयोग भी किया जा सकता है। फिर चौथा है देशों की विदेशी विनिमय कोष का संरक्षण, मतलब जो केंद्रीय बैंक है वो देश और विदेश दोनों का विनिमय कोष मतलब जो विनिमय कोष होते हैं मतलब एक ट्रांजेक्शन मतलब एक देश से दूसरे देश के लिए और विदेशी जो मुद्रा होती है उसके संरक्षण के लिए भी ये कार्य करता है। फिर इसको बाद है पांचवा बिलों की पुनः कटौती का कार्य एवं अंतिम ऋण देना, मतलब जो उसके बिल होते हैं मुद्रा मतलब केंद्रीय बैंक द्वारा जो बिल होते हैं उनका जो देश विदेश में जो अपन पत्र मुद्रा का निर्गमन के लिए केंद्रीय व्यवस्था होती है, जो केंद्र की जो मतलब बैंक की व्यवस्था होती है वह कैसी होती है, वह विनिमय अपने अनेक देशों व केंद्रीय विदेशी विनिमय कोषों के आधार पर मुद्रा का निर्गमन करते हैं और केंद्रीय बैंक विदेशों से क्या करते हैं, मुद्रा प्राप्त करते हैं और इसमें उसके उसके आधार पर उसे इस प्रकार के बाह मूल्य पर स्थिरता रहती है और उसमें उनको
जो बिलों का पुनः कटौती, मतलब जो बिलों की वाणिज्य के जो बड़ा तरल कोष होते हैं, मतलब ग्राहकों की नकदी होती है, उनका पूरा नियंत्रण पर्याय होने पर उनकी सहायता की क्या होती है, अपन को आवश्यकता होती है। और केंद्रीय बैंक दो प्रकार से सहायता करता है। पहला होता है एक श्रेष्ठ व्यापारी बिल की कटौती द्वारा तथा प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों की धरोहर द्वारा ऋण। चूंकि केंद्रीय बैंक आवश्यक पड़ने पर बिलों की पुनः कटौती प्रत्यक्ष ऋण देकर मुद्रा बाजार की पूंजी मात्रा को क्या करते हैं, बढ़ा सकता है, इसलिए इसे अंतिम ऋणदाता भी कहते हैं। तो पांचवा अपना बिलों की कटौती और पुनः कार्य हो गया। फिर छठवा है बेटा खातों का समाशोधन, निपटारा और स्थानांतरण। जो छठवा कारण है खातों का समाशोधन, निपटारा और स्थानांतरण। तो जो खाते होते हैं है ना, तो उसमें केंद्रीय बैंक का एक समाशोधन रूप में से एक व्यवस्था करना पड़ता है। पारस्परिक लेन देन अथवा एक दूसरे पर लिखे गए चेकों, भुगतानों का निपटारा, खातों की आवश्यक मतलब जो आवश्यक परिवर्तन किया जाता है। इस प्रकार लेन देन में निपटारा करने में बहुत सुविधा होती है। बैंकों के खाते खुले रहते हैं, खातों का रकम का स्थानांतरण, नकद भुगतान। फिर ये बैंकों के क्या होते हैं, पारस्परिक भुगतान सरलता से और शीघ्रता से हो जाते हैं। दूसरा, मुद्रा का उपयोग जो होता है वह कैसा होता है, मितव्ययी होती है। केंद्रीय बैंक के चलन में मुद्रा के कार्य को काम चलता मतलब चलता चला जाता है। फिर तीसरा है, बैंक के पास नगद कोष रखे रहते हैं जो अधिक मात्रा में स्टॉक का क्या करते हैं, निर्माण मतलब करते हैं। तो केंद्रीय बैंक सदस्य बैंकों के बैंक मतलब खाते खुलवाते हैं और खातों को का रकम में स्थानांतरण देने में बिल नगद भुगतान आदि का कार्य भी केंद्रीय बैंक करता है। फिर इसके बाद है शाख नियंत्रण। तो शाख नियंत्रण केंद्रीय बैंक का कार्य कर मतलब का समझा जाता है। शाख नियंत्रण पर मुद्रा के मौद्रिक आवश्यकताओं के अनुरूप वृद्धि अथवा शाख की आवश्यकता होती है। इससे मुद्रा संकुचन के दोष पैदा हो जाते हैं। केंद्रीय बैंक शाखा के मात्र में देश के आंतरिक मतलब जो मूल्यों की स्थिरता, आर्थिक हित की रक्षा के लिए आवश्यक समझा जाता है। वस्तुतः कीमत स्तर जो होते हैं वो विभिन्न स्थायित्व और विनिमय आंतरिक प्रभावित होते हैं। नियंत्रण का उद्देश्य होता है दोनों के स्वामित्व को मतलब स्वामित्व की प्राप्ति होना। किसी भी मतलब जो केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य समझा जाता है कि शाख नियंत्रण। इससे तात्पर्य ये होता है बच्चों कि शाख मुद्रा में मतलब कि मात्रा से देश की मौद्रिक आवश्यकताओं के अनुरूप मतलब कमी अथवा वृद्धि से है। साख की आवश्यकता आर्थिक होने पर मुद्रा मतलब जो साख मुद्रा में कमी होगी तो जो मुद्रा की अधिक होने पर मुद्रा स्फीति क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। तो ये हो गए बेटा आपके केंद्रीय बैंक के कार्य। तो केंद्रीय बैंक के सात कार्य हैं, पत्र मुद्रा का निर्गमन का एक अधिकार, सरकार का बैंकर है, वाणिज्य बैंकों और दर नगद कोषों का संरक्षण, चौथा हो गया देश की विदेशी विनिमय कोष का संरक्षण, पांचवा होगा बिलों का पुनः कटौती का कार्य व अंतिम ऋण, और फिर खातों का समाशोधन, निपटारा, स्थानांतरण, और सातवा हो गया बेटा शाख नियंत्रण। तो ये हो गए केंद्रीय बैंक के आपके सात कार्य हो गए। तो उसके बाद है बच्चों केंद्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक में क्या अंतर है। तो केंद्रीय बैंक का इसका स्वरूप क्या होता है, यह देश के सर्वोच्च बैंक होता है और संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। और व्यापारिक बैंक व्यापार की वह संस्था है जिसे लाभ कमाने के उद्देश्य से इसे मुद्रा साख देती है और केंद्रीय बैंकों का मतलब जो आदेशों का क्या करता है, ये पालन करता है। फिर इसका बाद है बेटा इसका जो होता है इसका प्रमुख उद्देश्य होता है लाभ कमाना। केंद्रीय बैंक का लाभ कमाने के लिए यह एक गौण उद्देश्य होता है और व्यापारिक बैंक का तो काम ही प्राथमिक उद्देश्य ही इसका क्या है, लाभ कमाना।
व्यापारिक बैंक का स्वामित्व होता है सरकारी और गैर सरकारी हो सकता है। उसके बाद इसकी प्रतियोगिता, तो केंद्रीय बैंक की व्यापारिक में प्रतियोगिता होती है। व्यापारिक बैंक अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए व्यापारियों को बैंक से प्रतियोगिता करते हैं। तो ये प्रतियोगिता हो गई, तो केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंक को किस प्रकार से प्रतियोगिता करता है। फिर उसके बाद है बेटा नोटों का निर्गमन। तो आपको मैंने अब भी बताया कि नोटों का निर्गमन का अधिकार केवल केंद्रीय बैंक को है, है ना। तो मुद्रा का निर्गमन करने वाली संस्था है। वास्तव में नोटों का निर्गमन एकांकी मतलब एकाधिकार किसको है, केंद्रीय बैंक को होता है। ऐसा अधिकार व्यापारिक बैंकों को ऐसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं। तो आपका हो गया नोटों का निर्गमन। फिर बैंकर, तो यह सरकार तथा व्यापारिक बैंकर का बैंकर मतलब यह सरकार के लिए तथा व्यापारिक बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करता है। मतलब जो केंद्रीय बैंक के निर्देश में सभी बैंक क्या होते हैं, कारमार्ग निर्देशन में कार्य करते हैं। तो यह सरकार तथा व्यापारिक बैंकों के बैंकर के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। और ये सामान्य जनता के मतलब केवल ये सामान्य जनता के बैंकर होते हैं। तो ये हो गया आपका बेटा केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर। तो कितने अंतर पाए जाते हैं, 6। इनका स्वरूप कैसा होता है, इनका उद्देश्य क्या है, इनका स्वामित्व कैसा होता है, प्रतियोगिता मतलब केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंक से किसी प्रकार की प्रतियोगिता नहीं करता, क्योंकि केंद्रीय बैंक तो बैंकों का बैंक है, इसलिए इसकी किसी से कोई प्रतियोगिता नहीं है। और व्यापारिक बैंक आपस में कारोबार बढ़ाने के लिए प्रतियोगिता मतलब जो इसकी प्रतियोगिता करते हैं। फिर नोटों का निर्गमन का अधिकार केवल केंद्रीय बैंक को है और व्यापारिक बैंक को ऐसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। बैंकों का बैंकर होता है मतलब सरकार तथा व्यापारिक बैंकों का बैंकर के रूप में कौन कार्य करता है, केंद्रीय बैंक। और जो व्यापारिक बैंक होता है वो कैसा होता है, सामान्य बैंक होता है। बच्चों आज अपन ने केंद्रीय बैंक पढ़ा, केंद्रीय बैंक की परिभाषा पढ़ी, केंद्रीय बैंक के कार्य पढ़े, और उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा बेटा, केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर। धन्यवाद बच्चों।